हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स पे अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में फ्राइडे के दिन 2.86% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 956.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है, मेरा मतलब मंडे के लिए क्या बनने वाला है वो हम बताएंगे और एंड में यहाँ पे हमारा क्या ओपिनियन बनता है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए बताएंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले अब जाते हैं हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आज के दिन जो हमें वॉल्यूम देखने ज़रूर मिला है। बाकी यहाँ पे जो है फिलहाल इस स्टॉक ने जो है अपना 20 EM और 50 EM दोनों के नीचे जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा सावधान होने की बात है। बात करें RSI की, RSI यहाँ पे 38-39 के आसपास जो हमें थोड़ा सा अपसाइड का जो है ज़रूर एक जो है यहाँ पे बताता है, एक इशारा देता है। लेकिन याद रखें हम जो इंडिकेटर्स पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देता है हमें उससे भी जो जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में, तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है आपको जो है और नीचे जाते देखने मिल सकता है, मतलब 200 MA तक तो यहाँ पे जो है 110% आपको आते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 871-870 के आसपास जो आपको ये स्टॉक जो है जरूर गिरते हुए आ सकता है। यहाँ पे जरूर जो है इस स्टॉक में उसके लिए आप कॉशियस हो जाए क्योंकि यहाँ पे इसका 20 EM और 50 EM को दोनों को क्रॉस करके यहाँ पे नीचे गया है। ऊपर से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डाउन साइड का जो एक पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो कॉशियस हो जाना चाहिए। बड़ा एक जो है डाउन साइड आपको देखने मिल सकता है विद वॉल्यूम, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है थोड़ा सा कॉशियस स्टॉक में काम करें। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स से जो एनालिस करके लाते हैं और यहाँ पे जो है आपको बताते हैं नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में उस स्टॉक में क्या होने वाला है पूरा का पूरा चार्ट एनालिस के बेसिस पे। तो याद रखिए अगर आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि दिवाली में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे जो वीडियोज कम ला पाएंगे तो इसके वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हम जो है वहाँ पे जल्द ही अगर जैसे ही हमारा 200 मेंबर्स के ऊपर जो है यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो गए टेलीग्राम में तो वहाँ पे हम जो है आप सभी के लिए लाइव अपडेट्स लाएंगे मॉर्निंग 9 बजे से लेके 3:30 तक। यहाँ पे जो हम लाइव अपडेट्स लाएंगे हमारे जितने भी हमने जो है वीडियोस बनाए थे स्टॉक के नेक्स्ट डे के लिए उसी के बारे में हम पूरा जो है चर्चा उसमें करेंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और यहाँ पे बात करते हैं क्या होने वाला है फ्राइडे के बेसिस में यहाँ पे मंडे के लिए और यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है उसको भी आपको मार्क करके बताते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो जिस तरह से मैं यहाँ पे जो है मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम यहाँ पे जो है आप भी अपने चार्ट में मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जब भी स्टॉक जो है इस रेंज में आएगा तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बाइंग और सेलिंग टारगेट अपना सेट करने में। हर एक चीज़ में जो है यहाँ पे याद रखें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हर एक चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी याद रखें यहाँ पे हम जो आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं कहते हैं, उसका डिसीजन जो है आपको अपना जो है एक यहाँ पे सेकेंडरी रिसर्च करते हुए लेना है। याद रखें यहाँ पे कितना भी बड़े से बड़ा यहाँ पे ट्रेडर आपको कहे कि यहाँ पे आप ये बाय कर ले तो ऐसा नहीं है कि आप आग बन के बाय कर लो, यहाँ पे आपको अपना रिसर्च जरूर करना है क्योंकि पैसा अगर आपका डूबा तो यहाँ पे जो आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपना रिसर्च जरूर करें। बाकी यहाँ पे हमने मार्किंग्स कर ली, अगर आप चाहे तो हमारे वीडियो को पॉज करते हुए मार्किंग कर सकते हैं। बाकी अब बात रही यहाँ पे हमारे क्लोजिंग की, क्लोजिंग यहाँ पे 960 के आसपास जिसकी जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 955 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 977 का।
इस बीच में अगर ये स्टॉक जो आपको घूमते हुए देखने मिले डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस के एरिया में, जो अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो ना ही आपको एंट्री करनी है ना ही आपको एग्जिट करना है। याद रखे यहाँ पे आपको जो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एरिया जो होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आपको यूज करें, तो थोड़ा ध्यान से सुने, समझ लीजिए। अगर ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो आप क्या करो, जैसे ही ये स्टॉक जो है डायरेक्ट सपोर्ट को तोड़ते हुए गया 955 के नीचे गया, आपको क्या करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको ओपन करना है, और फिर आपको जो है 3 रेड कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ने इसको क्रॉस किया अपने डायरेक्ट सपोर्ट को, आप जो है 3 रेड कैंडल का वेट करें, क्योंकि हम जो है अब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 रेड कैंडल जैसे ही बने, चौथी कैंडल पे आपको जो यहाँ पे एंट्री लेनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 935 से 4 पॉइंट ऊपर, 935 से 4 पॉइंट ऊपर होता है हमारा 939 का, यहाँ पे जो आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है टारगेट जो बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे आप जो है जरूर वापस से वेट कर सकते हैं और नीचे जाने का, लेकिन यहाँ पे ये जो सपोर्ट जो है उसको वापस से तोड़ते हुए आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो है अगला जो हमारा सपोर्ट आता है 923 का, उससे 4 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 928 का, यहाँ पे 927 928 का जो यहाँ पे आपको अपना टारगेट यहाँ पे लगा देना है। याद रखें यहाँ पे जो आपको कंफर्मेशन कैंडल हर टाइम दिखने, जब भी सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो उसको क्रॉस करके जाए तब। यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 977 जैसे ही क्रॉस हुआ आपको जो है 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट करना है, 3 ग्रीन कैंडल, क्योंकि अब हम अपसाइड के लिए जो है यहाँ पे अपना एंट्री लेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। फिर अगला यहाँ पे जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन आता है उससे 4 पॉइंट नीचे 992 का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, मतलब यहाँ पे जो है आपको 988 का जो है यहाँ पे अपना टारगेट लगा देना है। अगर आप चाहे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस जो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बता दूँ, डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो एक बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट जो है, मतलब एक बाइंग और सेलिंग ऑर्डर जो है ऑलरेडी अपने जो है ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं, और फिर वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। इसकी वजह से वो हमेशा जो है अपना ऑर्डर का जो प्राइस जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से थोड़े डिफरेंस में रखते हैं, ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ इसी तरह से स्मार्ट तरीके से खेलते हुए अपना जो टारगेट जो है वो एक डिफरेंस के साथ रखें रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन से, ताकि आपका भी जो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए और अपना प्रॉफिट जो है बुक हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी भी बात है यहाँ पे डिफरेंस रखने की, वो है कि जैसे कि मैंने कहा ऑर्डर जो है यहाँ पे जो प्लेस करके रखते हैं हमारे ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं कि हमेशा कभी कभी जो है यहाँ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी उस जगह पे रही तो हमारा स्टॉक जो है रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन तक पहुँचता ही नहीं है, और उससे पहले जो है रिवर्सल चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो रिवर्सल का जो लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे, और साथ ही साथ जो है आराम से अपना जो प्रॉफिट जो है वो बुक कर पाओगे डिफरेंस के साथ रखते हो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट जो है आपका तुरंत ही हो जाता है। जैसे ही आपने एंट्री लिया आपको टारगेट और स्टॉप लॉस अपना जो है ऑर्डर बुक में डाल देना है, और आप जो है यहाँ पे तुरंत ही जो है अपना यहाँ पे प्रॉफिट कर लोगे। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में यहाँ पे फ्राइडे के लिए, फ्राइडे फ्राइडे को देखते हुए, तो यहाँ पे मंडे के लिए मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो आपको जरूर जो 992 तक जाते हुए देखने मिल सकता है, इवन 1000 तक जाते हुए देखने मिल सकता है। 1000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं 1000 कह रहा हूँ, लेकिन 992 से लेकर 977 के बीच में मुझे लग रहा है क्लोजिंग हो सकती है। यहाँ पे डिफरेंस जो है मैं जो कह रहा था उसे क्यों रखना वो मैं समझा दूँ पहले। यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो मैं कह रहा था 4 पॉइंट का है रखने के लिए इस स्टॉक में, इसलिए क्योंकि किस तरह से आपको जो है देखना है कोई भी स्टॉक हो, आपको जो है क्या करना है उसका जो है यहाँ पे प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। यहाँ पे 900 एक प्राइस है और प्राइस डिजिट है 3, तो यहाँ पे इजीली 4 to 8 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन जो है 1 से 2 मिनट में आपको देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है मिनिमम 4 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस रखते हो अपना टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि आपका जो ऑर्डर जो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में यहाँ पे जो है मंडे में, मंडे को क्या होने वाला, मुझे जरूर कमेंट करके बताया, मैंने अपना ओपिनियन तो दे दिया है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करता है और कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए हम जो है हमारा ट्रेड लेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।